तो यार बहुत बहुत वेलकम तुम्हारा इस मिहिर गलत की नई एपिसोड में। ठीक है, तुम देख लो आज जो अपने सामने गाड़ी है भाई, ये कोई मतलब नॉर्मल गाड़ी, चलो गाड़ी फिर भी नॉर्मल है, लेकिन गाड़ी में जो काम हुआ है भाई, तुम पहले ये देख लो यार, सिद्धू मूसेवाला का भाई ने स्टिकर लगा रखा है, वो भी लेजेंड्स नेवर डाई। क्या बात है यार, मेरे सामने यहाँ पे नितिन सिधोनी भाई, इनका यूट्यूब पे चैनल भी है भाई। किस नाम चैनल आपका? भाई मेरा व्लॉगर नितिन के नाम से चैनल है भाई। हाँ, सबसे मैं तो देखो गाड़ी का हम बात करेंगे, लेकिन भाई को सब्सक्राइब जरूर करना है, मतलब लड़का बहुत मेहनत करता है, अपना बहुत पुराना दोस्त भी है। ठीक है, तो आओ गाड़ी बात करते हैं अब। तो भाई जरा गाड़ी वाले बताओ यार, पहले तो देखो मुझे एक चीज तुमसे जाननी है भाई, ये क्या हाल हो गया इसका? भाई मैं बताता हूँ, ये जब दिल्ली वाले घूमते ना भाई, ऐसे तो छूछा जाती है। अभी देखो एक दिन पहले लगी है भाई, देखो ये पूरा निकल गया था भाई। ठीक है, ये सारा रगड़ा था और ये मैंने भी अंदर रख रखा इसके। हाँ, तो समझ लो मैंने स्टिकर लगवाया। हाँ, तो फिर ये निकल गया, तो मतलब यहाँ मैंने लुक बढ़ा, यहाँ लुक कर गई। हाँ, तो सब ये तो हो गया मैटर। तो यार ऐसा कैसे, मतलब वाक्य बताओ क्या हुआ था? चलो एक किलोमीटर मेरे साथ अभी दिख जाएगा तुम्हें भीड़ वाले इलाके में। अच्छा, पीछे दिखोगे मैं कहाँ आगे भग जाऊंगा तब तक। अच्छा, वैसा है की अपन थोड़ी रैश चलाते हैं फुल, तो थोड़ा लगती रहती है भाई। तो कितने साल हो गए इस गाड़ी को? भाई ये मैंने 4 महीने पहले ली है, सेकंड हैंड ली थी भाई। 4 महीने पहले? अच्छा, और भाई सेकंड हैंड ली थी ना, बिल्कुल अच्छी थी, चमचमारी थी, रबिंग पॉलिशिंग कराई थी मैंने। हाँ, तो उसके बाद मैं धूप में खड़ी करके भग जाता हूँ, तो इसलिए थोड़ा पेंट डल हो गया। उसके बाद ये देखो आप, ये निकल गया। ठीक है, ये ठुका था पूरा, ऐसे बाहर आ गया था। अच्छा, फिर मैंने अंदर लगवाया, तो जिससे मैंने लगवाया उसने ढंग से नहीं लगाया, तो फिर मैंने भी हाथ नहीं दिया। ये देखो ये निकल गया था, तो मतलब मैं भाई ठोकता पीटता रहता हूँ। और अभी थोड़े दिन पहले शीशा बदलवाया देखो। अच्छा, साइड वाला मिरर। अच्छा, साइड वाला ये अलग है और ये वाला साइड मिरर अलग है। अच्छा, ये कंपनी का है, वो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया। ओके, और भाई ये गाड़ी अपनी रेनॉल्ट की? ये रेनो की क्विड है, 2016 मॉडल, पेट्रोल पे था, इस पे मैंने सीएनजी करवाई ऑन पेपर। तो जरा ये बताओ गाड़ी कितने की आती है और तुमने कितने की ली इस गाड़ी में? ये जो गाड़ी आती है वो आती है अराउंड, टॉप मॉडल मेरा RXT है, अलॉय व्हील के साथ है। अच्छा, पावर स्टीयरिंग के साथ है। अच्छा, सेंटर लॉकिंग के साथ है और म्यूजिक सिस्टम भी साथ है JBL का अंदर, और इसके अंदर सोनी की स्क्रीन भी लगी। टॉप मॉडल है, पता नहीं शायद किस मॉडल, हाँ टॉप मॉडल है, सोनी की पता नहीं किसकी स्क्रीन भी लगी पड़ी। ठीक है, बट जो है कंपनी फिटेड है। कितने की आती थी भाई? 5-5.25 का ऑन रोड पड़ता है, आई थिंक 5-25 है, मेरे को कंफर्म नहीं पता, चेक कर लेना भाई। हाँ, बट मैंने ली थी भाई 1.5 लाख में सेकंड हैंड। 1.5 लाख में? 1.5 लाख में ली थी भाई सेकंड। तो यार ये चीज मैं बोलूंगा तुम लोगों को कि भाई अगर तुम लोगों का बजट है 1.5 लाख 2 लाख तक का, ठीक है, और तुम्हें कोई बेस्ट गाड़ी चाहिए अपने लिए, ठीक है, तो भाई मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट ऑप्शन रेनॉल्ट की क्विड है। कॉम्पैक्ट एसयूवी में आ रही है। जब मैं ले रहा था ना, तब मेरे को भाई समझ लो 1.5 लाख के अंदर भाई होंडा सिटी मिल रही थी, 2009 मॉडल, रगड़ी हुई खत्म एकदम। यही भाई, ये 2016 मॉडल है, इसकी लाइफ अभी पता ही है, देखो तुम्हें 5 साल हुए, 10 साल पड़ी है, आराम से चलेगी, और सीएनजी मैंने डाला। नहीं भाई देखो, मिहिर गलत की तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है, ठीक है, मतलब 1.5 लाख 2 लाख में तुम्हें अगर ये कॉम्पैक्ट एसयूवी साइज में गाड़ी मिल रही है, अपना शौक पूरा करो बढ़िया से भाई, तो पैसे आए तो और बढ़िया गाड़ी लो, क्या दिक्कत है, है ना। तो भाई अब जरा बात करते हैं हम, ये देखो सबसे मेन चीज यहाँ पे यार, अपने पाजी की जो स्टिकर लगा रखी है, ये कब लगाया तुमने भाई? ये मैंने समझ लो 2-3 दिन पहले लगाया भाई, बड़ी दुखद भरी खबर लगी पाजी को देख के, स्पेशली दो ही सिंगर जिनको मैं सुनता हूँ, करण औजला, गीता दी मशीन और एक ये। ठीक है, देखो भाई मेरे इंस्टाग्राम पे ना सिधोनी भाई तो है, ठीक है, मैं इतना देखता हूँ कि यार लौंडा पंजाबी म्यूजिक इतना सुनता है ना, औजला का नंबर 1 फैन है तुम? वो तो भाई एकदम फैन। और सेकंड पे मूसेवाला, मतलब दोनों ही बढ़िया है भाई, दोनों ही अपनी जगह बढ़िया है। हाँ, दोनों ऐसा एक मैं तुमसे पहले ही पूछ चुका हूँ, ये चीज है ना, औजला, हाँ औजला फर्स्ट क्यों और मूसेवाला सेकंड क्यों, मतलब ये क्योंकि देखो मूसेवाला क्योंकि मूसेवाला जो गाने बनाता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है वो ठेठ पंजाबी में होते हैं। अच्छा, करण के भी होते हैं, बट करण के ना एक तरीके से ना ऐसे गाने होते हैं जो क्लब्स वगैरह में प्ले ज्यादा हो जाते हैं, ये थोड़ा ऐसा होता है एनर्जेटिक गाने ना, थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने का मन करता है, अच्छा लड़ाई झगड़े वाली फील इसको सुन के आती है, करण औजला भाई को सुन के थोड़ा इंस्पिरेशनल फील आती है। तो हर किसी का अपना अपना मतलब है ना, बहुत लोगों का, हाँ बहुत लोगों का मतलब मूसेवाला फर्स्ट, मूसेवाला फर्स्ट होंगे, चाहते थे कि अगर सिद्धू भाई आज होते तो मूसेवाला और औजला भाई का कोलैब हो, वो मैंने सुना सबसे महा कोलैब होता है यहाँ दुनिया का, नंबर 1 पे आता भाई वो, दोनों की भाई गहरी बीफ थी। हाँ, अरे हाँ यार ये देखो, हाँ, गाड़ी की वीडियो हम बेशक बना रहे पर सॉरी गाइस, अब से ये चैनल सिद्धू मूसेवाला वर्सेस करण औजला की बात करने वाली, ठीक है, तो जरा बताओ भाई बीफ क्या थी, क्योंकि मुझे भी नहीं भाई पता। देखो बीफ क्या थी मैं आपको बताता हूँ, करण औजला और ये पहले साथ थे, ठीक है, कनाडा में, जो मैंने सुना है वो बता रहा हूँ, सच क्या है मुझे नहीं पता, बट इनका गाना आया था सिद्धू भाई का सो हाई करके, सो हाई की एक लाइन थी, पार पार से पुछ करके इसकी लाइन थी कि मैंने दुश्मन के पन्ने भी फाड़ दिए। अच्छा, तो उस लाइन पे किसी ने ऐसा बोल दिया कि करण भाई तुम्हें टारगेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद नहीं, दो बंदों की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो उन्होंने कभी सॉल्व नहीं करी, अगला बंदा रिप्लाई देने लग गया, फिर ये रिप्लाई देने लग गए, फिर उन्होंने गाना बनाया था लिफाफे, करण औजला ने, जिन्होंने नहीं सुना, लिफाफे गाने में इनको टारगेट करा गया था। अच्छा, फिर इन्होंने गाना बनाया वार्निंग शॉट। अच्छा, ऐसे मतलब इनके आए दिन फिर ऐसे रिप्लाई आने लगे एक दूसरे को। हाँ हाँ, अभी लास्ट गाना आया था लेवल गाने में भी भाई ने बहुत तगड़ा टारगेट करा था। हाँ, औजला कोई, हाँ
अच्छा उसमें एक लाइन थी पेड कलाबा करके चोपर करदानी और चौड़कुड़े, मतलब पेड कोलैब करके मैं चौड़ नहीं दिखाता, और ये लाइन से सीधा करण औजला को टारगेट करा गया था कि भाई पेड कोलैबोरेशन नहीं करता मैं, क्योंकि उनका रिसेंटली गाना आया है बॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ जिसका नाम YG। अच्छा यार देखो अपने सितोरी भाई पता है दिल्ली की वो खचे हैं जो तुम मानोगे नहीं, हुक्का पीते हुए गाड़ी के अंदर पंजाबी म्यूजिक का स्नैपे बनती है, ठीक है भाई बहुत ज़्यादा भाई, तो यही वाली बात है। तो यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेनली देखो भाई से मैंने इसलिए कॉन्टैक्ट किया कि यार ये स्टिकर देख रहे हो कितना, मतलब एक गाड़ी का ना भाई, गाड़ी का लेवल ही बढ़ गया भाई, मतलब स्टिकर लगाने का, और भी काफी सारे लोग हैं जो ट्रिब्यूट दे रहे हैं ऐसे, मतलब गाड़ी पे स्टिकर मैं हाथ पे कराने वाला था बट थोड़ा समझ रहे फैमिली इश्यूज, चलो कोई नहीं भाई। और पीछे देख लो यहाँ पे एक तो ये क्विड की बैजिंग तो मिल जाएगी, यहाँ पे व्लॉगर नितिन दोनों सब्सक्राइब करना है भाई के चैनल को, ठीक है वो सबसे मेन है। और दूसरा यहाँ देख लो भाई गुजर नितिन सितोनी, ये तो गुजर का टाइटल नहीं हो रहा ये, तो ये क्या सीन है, चौड़वाजी का टाइटल अच्छा लगता है तो लगवा लिया भाई। हाँ, तो भाई ये ना अब देखो ये तुम्हें पता नहीं, अब कमेंट सेक्शन में होने वाली है बीफ, गुजर क्यों जाट क्यों नहीं भाई, क्या जाट कम है क्या, नहीं नहीं भाई सब ऊपर है भाई, हमसे तो सारे ऊपर है भाई, सबको नहीं सारे एक बराबर है भाई, कोई ऊपर नहीं है, जाट राजपूत गुजर सब एक बराबर है, सबकी रिस्पेक्ट है मेरे मन में, ठीक है। बट ये है कि बस ये ऐसी याद आ गया ये लगवा लिया, कल को वो आ जाएगा तो वो लगवा लिया भाई। यार देखो इस चीज में ना मेरे जितने जाट भाई है प्लीज ऑफेंड मत होना, और गुजर भाई तो ऑफकोर्स वो तो खुश ही होंगे, राजपूत भाई ना जितने भी अपने यार जितने भी, मतलब एक तो यार मैं अपने इस साल में इतना जातिवाद हुआ था भाई, सारे जितने भी अपने क्या बोलते हैं ये कम्युनिटी जितने भी अपनी कम्युनिटीज है यार, मतलब सब इक्वल है, पर भाई से मेरा क्वेश्चन ये वैलिड क्वेश्चन था कि गुजर ही क्यों, बाकी कम्युनिटीज के ऊपर नहीं है, जो मैं बनवाने आया मुझे अच्छा लगा मैंने भाई लिख दे। हाँ बट ठीक है, वैसे गुजर जाट सब एक बराबर ही है, मतलब सब अपने बेस्ट भाई होते हैं, रिस्पेक्ट है भाई दिल से, सारे बड़े भाई हैं। हाँ ये तो है यार। बाकी हाँ गाड़ी का अगर बात करते हैं तो कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह कराई है गाड़ी में? भाई देखो मैं बताता हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें करवाई थी बट ज्यादा नहीं करवाई, थोड़ी बहुत कराई क्योंकि मैं इसको ज्यादा ना ज्यादा चलाता हूँ रात को। अच्छा तो ये जो स्टीकर है बेसिकली मैं इसको प्लान कर रहा था थोड़ा बड़ा करा करके यहाँ बनवा, जो की बहुत बेहतरीन, मैं पूरा बोनट व्हाइट रैप करा रहा था उसके बाद यहाँ बनवा रहा था, बट भाई देखो पुलिस वाले ना बहुत इशू करते हैं दिल्ली के अंदर, आप लोगों को पता होगा, थोड़ा ज्यादा लोफर वाली फीलिंग आती है उससे। अब सिद्धू मूसेवाला जी का टैटू करा रहा हूँ बट पुलिस वाले सीन नहीं समझते, फिर वो रोकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और मैं नहीं चाहता पर्सनली गाइस कि मैं उस टैटू को रिमूव करूँ, तो मुझे ज्यादा बुरा लगता, तो इसलिए मैंने कहा साइड में रखते यार क्योंकि रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, उसको रिमूव करूँ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लगवाया। ओके तो अगर हम बात करें भाई यहाँ मुझे जरा बताएं इसमें यार, फिर ये अपने कौन से हैलोजन है या एलईडीज हैं? भाई ये हैलोजन है, एलईडी मुझे नहीं आई भाई, बट चलाने से आइडिया, इनका थ्रो अच्छा है, थ्रो अच्छा है, और ये मैंने करोलबाग से लगवाए थे भाई आफ्टर मार्केट। अच्छा आफ्टर मार्केट है, पीयूष कार डेकोर करके थी दुकान। ओके ये उन्होंने लगाया था भाई, ठीक है मेरा। अच्छा भाई ये उन्होंने यार एक चीज मैं देख रहा हूँ भाई, ये जो है ये पहले से आता है इस गाड़ी में, कुछ गाड़ी में पहले इंडिकेटर है, टॉप मॉडल, इधर मैंने कभी इंडिकेटर देखा ही नहीं भाई इस गाड़ी में, आता है ना ये तो अलग है थोड़े बहुत, मतलब मोस्टली मैं यहाँ पे आता है, हाँ यहाँ पे आता है, यहाँ पे आ रहा था भाई। ओके अलॉय व्हील भी भाई कंपनी के RXT मॉडल के। अच्छा और अगर बात करें ये तुमने गार्ड बाहर से लगाया होगा? हाँ जब मैंने सेकंड हैंड ली थी तो ये लगाया था, बाकी ये सब टैटू मैंने खुद बनाए, ठीक है ये भी खुद बनाया भाई, गाड़ी का तो नाश ही मार दिया है सितोनी भाई ने, देख लो थोड़ा रगड़ के चलाते भाई। बाकी अगर देखें भाई टेल सब कुछ मतलब स्टॉक है, ठीक है ये टेल लैंप भी स्टॉक, सब स्टॉक है, जरा पीछे की स्पेस दिखाओ भाई, भाई पीछे की स्पेस दिखाऊंगा, देखो यार ये गाड़ी का कुछ पीछे स्पेस मिलता है, CNG का सिलेंडर है भाई, और इससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं मैंने इसके अंदर पायनियर का 310-400 RMS का वूफर लगा रखा था, ठीक है बहुत हैवी, मतलब ये शीशे वीशे कांपते थे, बट CNG का सिलेंडर आया तो मुझे हटाना पड़ा, वो तो होता है भाई, जो मैं यूज करता था ये एम पता नहीं कौन सा है, बस ये V12 एम है 4 चैनल का, जो अच्छी आउटपुट देता था, तो भाई CNG का बताओ अच्छा। जितने अपने भाई लोग हैं जिनको CNG लगवाना हो, क्विड में भाई CNG बहुत अच्छी कामयाब है गाइस, बस मैटर करता है कि आप इंस्टॉलेशन कहाँ से करा रहे हो। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अपने चैनल भाई जिसमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप दिखाया था, जरूर देखना यार CNG कैसे कैसे आप इंस्टॉल कराओ, मेरी CNG आपको बता दूं पर्सनली फुल टैंक पे 220 किलोमीटर चलती है, अच्छा है ना, विदाउट AC विद AC हाईवे पे, और सिटी के अंदर समझ लो 170-180 के आसपास विद AC। ओके हाँ तो अच्छी माइलेज मेरे को लगती है कि भाई मेरे पैसे बच रहे हैं, 550 की फुल कराता हूँ, 4 दिन चलती है भाई आराम से। क्या बात है, नहीं सही सही, पेट्रोल का खर्चा ज्यादा मतलब, वैसे इसकी पेट्रोल में भी बहुत अच्छी माइलेज है गाइस, अगर आप कम चलाते हो तो आपको CNG की जरूरत, तो भाई ये गाड़ी यार फुल्ली रिकमेंडेड है सच में यार, मतलब ये गाड़ी ही अलग है भाई, ये तो मानना पड़ेगा, इसने जब गाड़ी दी थी मैं खुद देख के शौक गया था कि यार ये कौन सी गाड़ी, मैंने सर्च किया पता चला अच्छा ये रेनॉल्ड्स की क्विड कोई गाड़ी आती है, ठीक है, और इसको अगर थोड़ा सा खींच दो डस्टर आती है, ये प्रॉपर डस्टर लुक लगता है मुझे, इसको थोड़ा सा ऊपर करके यू खींच दो आगे तरफ डस्टर लुक है प्रॉपर, और अंदर से बैठ के देखते हैं, वही तो छोटी नहीं है गाड़ी, आओ तो मैं अंदर से दिखाता हूँ इसका लुक, तुम देखो भाई कुछ अंदर से इसका पीछे कैसे करेंगे, पीछे क्या चू भाई मैंने ना आर्मरेस्ट लगा के लॉक करा रही है सीटें। अच्छा लॉक करा दी है, हाँ ओके। तो अगर हम बात करें भाई ऐसे चलाओ तो पहले तो यार ठीक है भाई, ऐसे चला देते हैं
ये देख लो गाड़ी अपनी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और रेनॉल्ट की तरफ से ये अपना एलजी का आ रहा है भाई, देखो LG अच्छा एलजी का आ रहा है। तो ये कंपनी फिटेड है भाई, कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं है यार। इसमें ना मैं एक चीज देखता हूँ जो कि मुझे काफी अलग लगती है, वो है इसका ये डैशबोर्ड, स्पीडो है क्या, स्पीडोमीटर। हाँ ये स्पीडोमीटर होता है भाई इसका, ये अलग टाइप का आता है इसके अंदर, मतलब वैसा नहीं आता चलने वाला, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक काफी सही है। देखते हैं इसका क्या ऊपर की तरफ भी आता है कुछ। नहीं नहीं भाई वो बलिनो में आया, 2022 मॉडल जो बलिनो है उसमें आया वो। ओके लेकिन ये काफी अलग लगता है यार, अलग लुक फ्यूचरिस्टिक सा मामला आता है इसका। मतलब ये गाड़ी भाई इसलिए अच्छी है, देखो 1.5 लाख के अंदर गाइस सेकंड हैंड मिल गई आपको भी मिल जाएगी सीरेंज के अंदर। हाँ। क्योंकि 1.5 लाख में अगर आप कोई और गाड़ी लो ना आपको बहुत पुराना मॉडल मिलेगा। सही में भाई ये बात तो है, ये 2016 मॉडल, इसके अंदर सारे नए फीचर्स विद एयरबैग्स, पुरानी गाड़ियों में एयरबैग्स नहीं आते थे। हाँ तो इसके अंदर इसलिए मेरे को ज्यादा फायदा लगा इसको लेने में भाई। नहीं मैं होंडा सिटी लेता बहुत पुरानी, फिर उसकी वर्थ नहीं होती, वर्थ नहीं होती। नहीं ये तो तुमने समझदारी वाली बात करी भाई। और मेन देख लो यहाँ पे ये अपने मिरर कंट्रोल्स हैं, ये सब नहीं ये शीशे वाले कंट्रोल्स हैं सारे। और इधर से लॉक हो जाएगी गाड़ी, लॉक गाड़ी, ये पार्किंग लाइट, ये मैंने सीएनजी का लगा रखा अलग से, ठीक है। वैसे जो इसका ऑटोमेटिक मॉडल आता है उसके अंदर यहाँ पे बटन होता है ना, PRNDS का, यहाँ गियर नहीं होता। अच्छा बट मेरा मैनुअल है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगवा लिया। ओके और बाकी अंदर से नॉर्मल ही है, ज्यादा कुछ फीचर वगैरह दिख नहीं मुझे, मतलब जितने होने चाहिए उतनी है। हाँ उतने हैं, यहाँ पे लाइट मिल जाएगी भाई नॉर्मल। हाँ यहाँ पे थोड़ा ये हवा से बचने के लिए शीशा ये मिल जाएगा आपको, इसे कंट्रोल, यहाँ JBL के स्पीकर मिल जाएंगे बस लगे। अच्छा ये वाले, हाँ ये JBL के हेड यूनिट्स लगे आते हैं साथ में कंपनी फिटेड टॉप मॉडल में। ओके ओके ओके। और इसकी पावर स्टीयरिंग है ये वाली देखो, ये से तो नहीं क्या है ये, ये भाई गलती हो गई है, ये देख लो भाई ये टॉय गन लेके चल रहे हैं, ये टॉय गन है, बहुत बढ़िया। और तुम्हें जनरली साकेत साइड है तुम्हें ऐसे भाई लोग मिल ही जाएंगे। आओ जरा गाड़ी को बैक करते हैं भाई, मेरा तो आगे पैर ही टकरा है, पावर तो है यार सीएनजी पे भाई, पता ही लग रहा है सीएनजी यार ये। जहाँ से मैंने इंस्टॉल कराई है ना भाई उनका ना नाम चलता है सीएनजी में दिल्ली के। क्या क्या नाम है जरा बताओ। उनका नाम है पवन, सीएनजी डॉक्टर करके है, ठीक है। हाँ तो उन्होंने मतलब प्रॉपर मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर सब कुछ दिखा रखा है इन डेप्थ में। अच्छा। कि आपको सीएनजी लगाओ तो क्या क्या चीजें लगानी है, किस किस चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें कैसे कैसे वर्क करती है। क्योंकि देखो सीएनजी में जो मेरे को लगता है भाई इंस्टॉलेशन सब मैटर करती है। कितने में लगी तुम्हारी सीएनजी भाई? मेरी तो देखो लगी थी थोड़ा मतलब कम में लगी थी, यूट्यूब पे वीडियो बना के, बट वैसे 48 में लगती है। मैंने लगाई मोटो ज़ेन की न्यू किट। अच्छा तो मतलब जो तो नाम ले रहे हो वहां से सीएनजी अपन लगवा सकते हैं, लगवा सकते हैं, रिकमेंडेड है। हां मैं कस्टमर था भाई उनका, बिल्कुल रिकमेंडेड है भाई वहां पे। बाकी देख रहा हूं भाई चलाने में कुछ फील हो ही हो रहा ना कि सीएनजी में है, सीएनजी में पेट्रोल पे दूंगा ना भाई तब भी ऐसी चलेगी। हां ये देख लो भाई यहां से गाड़ी भाई सीएनजी पे इस टाइम पे गैस पे चल रही है। और इसका यार सबसे पता है मेन चीज मुझे क्या लग रही है, जो इसका क्या बोलते हैं रेडियस बोलते हैं ना घुमाते उसका, हां वो पावर स्टीयरिंग। हां मतलब पावर स्टीयरिंग तो चलो ये हो गई, व्हील रेडियस बोलते हैं कि मैं इसको खड़े खड़े इधर से घुमाऊं तो उधर चलेगी, मतलब ज्यादा मुझे बैक करके प्रॉपर झंझट नहीं करना पड़ेगा। बबलिंग नहीं है बॉडी में ज्यादा, हां बबलिंग नहीं है वगैरह। तो ये गाड़ी यार बहुत सही है, ऐसी कुछ दिक्कत लग नहीं रही मुझे इसमें। तो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा भाई, देखो क्विड बेहतरीन गाड़ी है, अपने को रेनॉल्ट से पैसे नहीं मिले, रेनॉल्ट भाई पैसे नहीं लायक भी नहीं अपने को, फिर अपना रेट भी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये वाली चीज है, बाकी मैं रिकमेंड करूंगा पूरा दिल से कि यार अगर तुम लोगों को कम बजट में गाड़ी लेनी है तो भाई क्विड बहुत बेहतरीन गाड़ी है भाई। तो एक बार जो है ना फिर हम इतनी तारीफ कर ही रहे हैं क्विड की, जरा नेगेटिव पॉइंट्स बताओ जो तुम्हें पसंद नहीं आया इस गाड़ी के। भाई देखो नेगेटिव पॉइंट्स मैं आपको गिनाऊं तो सबसे पहले तो इसका इंजन नॉइसी है, नॉइसी है इसका इंजन में ना, कंपनी से ही नॉइसी है थोड़ा सा। अच्छा। मतलब आपको थोड़ी ज्यादा आवाज सुनने को मिलेगी इंजन में जब आप खींचोगे, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपको नेगेटिव पॉइंट बताऊं भाई इस गाड़ी का, तो भाई इसकी साइड बॉडी ना प्लास्टिक की है, जल्दी टूट जाती है। अच्छा ये तुमने बहुत देख लिया होगा, ये मैंने प्लास्टिक है, फाइबर है, फाइबर मतलब फाइबर है, टूट मतलब हर गाड़ी का टूट जाता है, या तो मैं थोड़ी ज्यादा गरीब जीप तरीके से चला रहा हूँ। नहीं ये तो भाई कमेंट्स में लोग बताएंगे, वो तो मैं ही चलाता हूँ आपको बताऊँ। और भाई दूसरी चीज भाई मेरे को तो कोई नेगेटिव पॉइंट लगता नहीं भाई, देखो क्योंकि मैंने पहली गाड़ी ली थी तो भाई मैं तो रगड़ता हूँ। और इसकी अच्छी बात अगर मैं तुम्हें गिनाऊँ सबसे ज्यादा, ये ऑल्टो सेगमेंट की गाड़ी है। अच्छा जी ऑल्टो में अगर मैं बैठता हूँ ना मेरे पैर ऐसे हो जाते हैं, इसमें तुम आप बैठे हो भाई फिर भी आराम से बैठे हो, कम्फर्टेबल आराम से, हाँ तो इसमें कंफर्ट ज्यादा है, स्पेसेस ज्यादा है। और इसमें देखो ये साइड वाइड रखने के लिए, सामान रखने के लिए ये डोर्स भी ज्यादा है ऑल्टो से। बाकी भाई मेरे को नेगेटिव पॉइंट तो इसका ये दिखता है कि भाई इसके ना एक दिक्कत और है, इसका जो इंजन है ना नीचे से उसकी चेसी है ना वो प्लास्टिक की है। अच्छा तो अगर वो लग जाए, हाँ अगर वो लग जाए तो भाई फिर वो ऑयल लीक होने लगेगा आपका जल्दी। और इसका भाई जो हेड माउंट है वो भी प्लास्टिक का है, मतलब कंपनी ने सस्ती बनाने के लिए कॉस्ट कटिंग करी है चीजों में, काफी चीजों से कॉस्ट कटिंग करी है। यहाँ पे देखो सिंगल वो है वाइपर,
अच्छा पीछे वाइपर नहीं है। ओके वो टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल है ये। टॉप मॉडल में भी वो चीजें नहीं है, तो ये थोड़ा महंगा लेते बट चीजें तो रख देते, लेकिन ठीक है। हाँ बट यार देखो बजट हिसाब से भाई ठीक है, अपना रगड़ने के लिए, घूमने फिरने के लिए, टोरेबाजी के लिए बढ़िया। तो बस यार वीडियो भाई ये पे रखता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक मारना। मेन क्या है कि देखो मैं जानता हूँ ये वीडियो तुम्हें शेयर करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि हर अपने दोस्त भाई जितने मिडिल क्लास बंदे होते हैं ना उन लोगों के लिए बेस्ट गाड़ी हो, हर किसी को दिखाओ यार। फैमिली वाली गाड़ी है भाई, अपना घूमने के लिए क्या, वही तो शेयर ज्यादा ज्यादा मारना। मेन क्या है भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो यार, व्लॉगर नितिन सब्सक्राइब सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि यार भाई थोड़ा सा आजकल बहुत मेहनत कर रहा है, पर वो एक होता है ना भाई नहीं मिल पाता। बट ये कि मतलब ये गाइस मेरा व्लॉगिंग चैनल है, आप लोग आओ देखो, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छा लगता तो क्या नहीं अच्छा लगा मेरे को कमेंट करके बताना एक बार कि हां भाई मेरे को ये चीज लगी भाई, वो फिर भी क्लैरिटी आएगी। इसको क्या है कि पता भी नहीं क्या अच्छा नहीं कर रहा, मेहनत भी करे जा रहा है तब भी आउटपुट नहीं, तो बंदा थोड़ा सा ना, मैं समझ रहा हूं एज अ यूट्यूबर, मैं यूट्यूबर्स की फीलिंग समझ पाता हूं, इसलिए बोल रहा हूं ज्यादा से सब्सक्राइब करना भाई के चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके तुम्हें क्या करना है तो बताया, वीडियोस देखनी वगैरह है ना, लाइक फॉलो कर देना। चलो वीडियो पे खत्म करते हैं, आओ भाई साथ में एंड करते हैं। तो यार मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय, साइनिंग आउट।